रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया सेना का वीडियो, बर्फ में ड्रोन उड़ाते और बढ़ती ठंड के लिए तैयारियां करते नजर आए सैनिक। बेलारूस में बर्फबारी के बीच युद्धाभ्यास कर रहे हैं सैनिक, टैंक और मोटराइज्ड राइफल के साथ की जा रही है ट्रेनिंग। एशिया तोप से हमले कर रही है रूसी सेना, रूसी रक्षा मंत्रालय ने बर्फ में तैनात 2S3 तोप फायरिंग करते हुए वीडियो जारी किया। यूक्रेन में ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना, हमलों का वीडियो आया था। तैयारी में जुटे रूसी पायलट्स, युद्ध अभ्यास के दौरान दिखाया दमखम, बम वर्षक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को कवर करते नजर आए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आर्टिलरी यूनिट का वीडियो, 152 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन के साथ कॉम्बैट ऑपरेशन में जुटे हैं रूसी जवान। मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक किया है दुश्मन के एरियल मिसाइल। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों का हमला, रोदो इलाके में गोलीबारी के बाद तबाही का मंजर। यूक्रेन के नीप में हमले जारी, धमाके का ताजा वीडियो सामने आया। पुर्तगाल और उरुग्वे के फुटबॉल मैच के दौरान फैंस ने किनारेबाजी, यूक्रेन और हिजाब मामले के समर्थन में नारे लगाए, गिरफ्तार कर लिए गए। बेलारूस के ट्रेनिंग ग्राउंड पर रूसी जवानों का कॉम्बैट ऑपरेशन जारी, भीषण सर्दी में भी युद्धाभ्यास करते नजर आए रूसी सैनिक। एक्शन में दिखे रूसी Sukhoi-25 अटैक एयरक्राफ्ट, जहां यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हुए। यूक्रेन कर रहा है फ्रेंच क्रूजर का इस्तेमाल, रूसी ठिकाने पर बम बरसाते दिखे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की सेना बर्फ में लगा रही है गश्त, जहां बर्फ से ढके इलाकों में चलते दिख रहे हैं यूक्रेनी टैंक। S-300 से अपनी सुरक्षा कर रहा है यूक्रेन, युद्ध क्षेत्र में एक्शन दिखा रहा है S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस के सैन्य टुकड़ियों को निशाना बना रहा है यूक्रेन, एक ही झटके में रूस के कई सैनिकों को मार गिराया। रूस की सैन्य टुकड़ी पर होवित्ज़र तोप से बमबारी, वीडियो में भागते नजर आए रूसी सैनिक। यूक्रेन के खिलाफ 155 mm गन का इस्तेमाल कर रहा है रशिया, युद्ध क्षेत्र में लगातार की जा रही है फायरिंग। रूस के कई इलाकों में रूसी सेना ट्रेनिंग कर रही है सैनिकों को, दी जा रही है हथियार। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के करीब 1500 सैन्य अधिकारियों की मौत, एक दावे के मुताबिक मारे गए अधिकारियों में 160 रूसी जनरल शामिल। यूक्रेन में नदी पर पुलों की कमी की वजह से एम्बुलेंस पहुंचने में दिक्कत आ रही है, सेना की मदद से लोगों तक मदद पहुंच पा रही है। यूक्रेन युद्ध में हो सकता है केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, OPCW ने कहा वैश्विक समुदाय को इस पर ध्यान देना होगा। रोमानिया की राजधानी में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों के अहम बैठक है, दो दिनों की बैठक में सुरक्षा पर चर्चा हुई। ऊर्जा की कमी से परेशान यूक्रेन की मदद करेगा अमेरिका, अमेरिकी सचिव एंटनी ब्लिंकन ने किया इशारा। युद्ध पर अमेरिका और रूस के बीच थम गई है बातचीत, युद्ध के बाद अब तक केवल एक बार हॉटलाइन का इस्तेमाल हुआ।